सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, आज हम लोग महामैराथन की पार्ट टू लेकर आए हैं, जिसमें गोल्डन रूल, मैंने कहा था 50 गोल्डन रूल मैं आपको दूंगा, आज उसका दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में हम उसके आगे चर्चा करेंगे। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, आशीष, विशाल, नितिन, दीपक, अभिषेक, एक बार जल्दी से सब लोग शेयर करिए, सब लोग शेयर करिए दोस्तों। और एक बार जय हिंद लिखिए, एक बार जय हिंद लिखिए सब लोग, एक बार जय हिंद लिखिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि एयरफोर्स की जो नई बैच दिसंबर से शुरू हो रही है, अगर आप जो है अभी भी आपके पास अगर एक आध चांस हो तो आप ये वाली बैच जरूर देखिएगा। इसमें मैं पूरा कराऊंगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक, चाहे 3 बच्चे रहेंगे तब भी पूरा कराऊंगा। तो इसलिए जो है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए आप लोग, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने का प्रयास किया कीजिए। 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आज कल हम लोगों ने 5 रूल तक, अर्थात यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और ये कर चुके थे हम। आज हम देखेंगे रूल नंबर 6। तो दोस्तों, रूल नंबर 6 में क्या लिखा है देखिएगा। रूल नंबर 6 में कह रहा है, किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा हो, क्या कह रहा है, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए तो वह प्लूरल नाउन की तरह कार्य करने लगता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अगर कोई एडजेक्टिव हो उसके पहले द लगा दिया जाए, जैसे आप जानते हैं पुअर, पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन दोस्तों अगर द पुअर लग जाए तो द पुअर का मतलब गरीब लोग, वहीं दोस्तों रिच माने अमीर होता है, लेकिन अगर द रिच लग जाए तो द रिच का मतलब अमीर लोग। उसी तरह ब्लाइंड मतलब होता है दोस्तों अंधा, और द लग गया तो द ब्लाइंड का मतलब हो गया अंधे लोग। वही है दोस्तों डीफ, डीफ का मतलब होता है बहरा, और द डीफ का मतलब बहरे लोग। तो दोस्तों जब भी आपको एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए, एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए तो उसके साथ प्लूरल नाउन की तरह कार्य करने लगता है, और जब ये प्लूरल नाउन की तरह कार्य करेगा तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी। देखिए आर है, आर है, आर है, आर है, अर्थात प्लूरल है। यही रूल है कि अगर आपको एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगले रूल पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। कभी कभी एक ही वाक्य दो अलग अलग फॉर्म की वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो दोनों वर्ब्स का प्रयोग करें। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, ही हैज नेवर एंड विल नेवर कॉल्ड हिम। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, ही हैज नेवर एंड विल नेवर, तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज, और एक आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है विल, और यहाँ पर जो वर्ब लिखी गई है वो कॉल्ड लिखी गई है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉल्ड किसके लिए लगा है, हैज के लिए लगा है या फिर कॉल्ड आपका विल के लिए लगा है। तो जब भी इस तरह का मिल जाए दोस्तों कि दोनों के साथ, एक मिनट रुक जाइएगा, जब भी इस तरह मिल जाए कि दोनों के साथ जो है अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो याद रखिएगा दोनों के साथ अलग अलग लगाया जाएगा। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर देखिए दोस्तों, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो याद रखिएगा रूल है कि जब कभी एक ही वाक्य में दो अलग अलग फॉर्म्स की वर्ब की जरूरत पड़े तब दोनों अवस्था में वर्ब का प्रयोग करें, मतलब पहली अवस्था में भी वर्ब का प्रयोग करें और दूसरी अवस्था में भी। जैसे अगला रूल, अगला एग्जांपल देखते हैं, आई विल नॉट एंड हैव नॉट गॉन देयर। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, एक विल है और एक आपका हैव है, तो हैज, हैव, हैड, विल, हैव, शैल, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये तो ठीक है गॉन आपका, लेकिन विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसकी वर्ब कहाँ है, इसकी वर्ब कहाँ है। तो इसीलिए दोस्तों, आई विल नॉट गो एंड हैव नॉट गो देयर, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार जल्दी से शेयर करिए दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर करिए और जय हिंद लिखिए। आशीष, अभिषेक, नील प्रताप, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए। मानस अवस्थी, आप सभी लोग टाइम पर आ जाया कीजिए,
आप सभी लोग टाइम पर आ जाया कीजिए। 10 बजे से आपकी क्लास चलेगी, डेली चलेगी, अब चाहे जितने बच्चे रहेंगे क्लास अब डेली चलेगी आपकी। तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं रूल नंबर 8 पे। देखिएगा, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं करते। दोस्तों कुछ वर्ब होती है ना, उनको जो है कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं, उनको कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। मतलब जैसे दोस्तों वर्ब सोइंग पोजिशन, मतलब जैसे ओन, अगर कहीं ओन का प्रयोग रहेगा तो ओनिंग नहीं होगा दोस्तों, इसमें ing नहीं लगेगी। वही बिलोंग है दोस्तों तो बिलोंगिंग नहीं होगा। अगर कंप्राइज है दोस्तों तो कंप्राइजिंग नहीं होगा। हैव है दोस्तों तो हैविंग नहीं होगा। कंटेंट है तो कंटेंटिंग नहीं होगा। तो ये सब वर्ड है, इसके साथ ing नहीं लगता। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों लिखा है कि क्या लिखा है, देखिएगा, कह रहा है रवि इज ओनिंग ए कार। रवि एक कार का मालिक है दोस्तों, तो हमने कहा ओनिंग अर्थात ओन के पहले ing नहीं लगेगा उनके बाद, तो इसलिए दोस्तों रवि ओन्स ए कार हो जाएगा। आई एम सीइंग ए मैन स्टैंडिंग देयर, मैं एक आदमी को देख रहा हूँ जो वहाँ खड़ा है, तो ये सीइंग नहीं होगा दोस्तों। आई सी ए मैन मतलब मैं आदमी को देख रहा हूँ जो वहाँ पर खड़ा है, तो देख रहे हैं दोस्तों, अर्थात ये सभी वर्ड हैं जिसके साथ ing नहीं लगती। अगला देखते हैं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट कोई कोरिलेटिव कंजक्शन जैसे आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, आर या नार से जुड़े हों, तो वर्ब जो है जो नज़दीक वाली रहेगी उसी के अनुसार लगता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आइदर आर, क्या बताया, आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर दोस्तों आर या नार, अगर ये सब जुड़े रहेंगे तो इनके सबके साथ जो नज़दीक में जुड़ा रहेगा वही प्रयोग करते हैं। जैसे आइदर यू आर आई, तो आप देख रहे हैं दोस्तों आइदर यू आर आई, तो नज़दीक में कौन है, आई है भाई, हेल्पिंग वर्ब ये वर है, मतलब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है वर लगी है, और वर के पहले देखिए क्या है, आई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आइदर आर, नाइदर नार, इसके सबके साथ जुड़ेगा तो जो नज़दीक वाला रहेगा उसी के अनुसार वर्ब लगती है। तो यहाँ पे आई है दोस्तों, और आई के साथ वाज लगता है, इसलिए यहाँ पे वाज हो जाएगा, ये वाला गलत था। वही नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, तो हमने कहा दोस्तों नज़दीक वाले के साथ, तो बट आल्सो के साथ क्या लगा है, डियर फादर, तो डियर फादर, अब चूंकि देख रहे हैं दोस्तों कि फादर एक ही होता होगा, तो इसीलिए डियर फादर वाज होगा दोस्तों, वर नहीं होगा। वहीं देखिए, हैव रोहित और हिज फ्रेंड्स डन एनीथिंग फॉर यू, तो देख रहे हैं दोस्तों आर के साथ जुड़ा हुआ है, आर के साथ जुड़ा हुआ है, हैज रोहित और हिज फ्रेंड, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थात यहाँ पर दोस्तों जो ये आर है, आर के बाद हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स के साथ क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड के साथ जो है हैज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो हैव लगा है दोस्तों, हैव ना लग के क्या लगेगा, हैज लगेगा। वहीं नन बट, तो नन बट के साथ भी दोस्तों माई फ्रेंड, तो यहाँ पे देख रहे हैं नन बट माई फ्रेंड्स, तो बट के बाद क्या लगा है, माई फ्रेंड्स लगा है, और फ्रेंड्स बहुवचन है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। अगर आप सिंपल भाषा में समझे दोस्तों, अगर आप सिंपल भाषा में समझे, सुनिएगा, आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, और आर या नार से अगर जुड़ा है तो नज़दीक में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब के नज़दीक में अगर प्लूरल रहेगा तो यहाँ पर ये प्लूरल रहेगा, अगर ये सिंगुलर रहेगा तो ये आपका सिंगुलर रहेगा, बस सिंपल आप यही जान लीजिए बस। आगे देखिए, 10वां देख लीजिए, कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ एज विल एज विथ टूगेदर, टूगेदर विथ एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, नॉट लेस, कंपनी विथ, एक्सक्लूडिंग, कंट्रोल्ड बाई, लिख इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, अगर ये सब मिल जाएं तो इसमें होता क्या है कि पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक देखा
कि अगर आइदर आर, नाइदर नार या फिर दो उस तरह जुड़े हों तो इसमें जो नज़दीक वाला रहेगा उसके अनुसार लिखते थे। अब इसमें दोस्तों देख रहे हैं कि जो पहले वाला स्टार्टिंग वाला रहेगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे पहला लिखा है कि द पेन बिसाइड्स द पेंसिल इज मिसिंग, तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों द पेन के अनुसार लगता है अर्थात द पेन के साथ ही सही है। वहीं देखिए दोस्तों द बॉय विथ हिज फ्रेंड्स हैज कम, तो द बॉय के साथ लग द बॉय अगर देख रहे हैं दोस्तों द बॉय आपका सिंगुलर है इसलिए आपका हैज लगा है सही है। वहीं देखिए दोस्तों द गर्ल एलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, तो दोस्तों द गर्ल एक वचन है इसलिए इज लगा है। तो अर्थात अगर आपका दोस्तों ये सब मिल जाए, एज वेल एज मिल जाए, विथ मिल जाए, टूगेदर विथ मिल जाए, टूगेदर विथ एंड मिल जाए, नॉट मिल जाए, इन एडिशन टू मिल जाए, बिसाइड्स मिल जाए, नो लेस देन मिल जाए, तो इसके सब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग वाले के अनुसार लगती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और इसको आप लोग बताइए, दोस्तों इसको आप लोग बताइए एरर है इसमें, बताइए कि क्या एरर होगा। चलिए आप लोग बताइए दोस्तों कि पहले वाले में क्या एरर होगा। देख रहा हूँ अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, आप लोग कमेंट करिए। अभिषेक कहाँ गए आप, नितिन आप कहाँ गए, विशाल आप भी कमेंट करिए। देख रहा हूँ कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा दोस्तों, एक बार शेयर करिए, एक बार शेयर करिए दोस्तों। देखिए मैंने कहा कि क्लास अगर मैं आपको, मैं बोर्ड पर भी पढ़ा सकता था इसको, लेकिन बोर्ड पर इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं देखा कि आपकी संख्या नहीं है अभी और आप नहीं चाहते हैं पढ़ना, तो इसलिए मैंने बंद किया, बाकी कोई और अदर रीज़न नहीं था। लेकिन अगर आप चाहेंगे, आप अगर इसको मेंटेन कर लेते हैं, 15 तक पहुंचा देते हैं, तो निश्चित ही मैं क्लास बोर्ड पर पढ़ा दूंगा। तो देखिए दोस्तों और ये इम्पॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे लिखा है दोस्तों द रिच शुड हैव हेल्प द पुअर, तो द रिच मैंने कहा दोस्तों अगर किसी के पहले द लग जाएगा तो उसके बाद प्लूरल लगता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हैव लगा है अर्थात सही है, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव नेवर एंड विल नेवर कॉल हिम, तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने कहा कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब लगी हो और ऐसी हेल्पिंग मतलब ऐसी वर्ब लिखी गई हो कि जहाँ पर दोनों का अलग, जैसे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सबको पता है दोस्तों अगर हैव लिखा है कहीं तो हैव के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो विल के साथ तो कॉल लिखा है सही है, लेकिन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है अर्थात जो गलत है दोस्तों वो ए पार्ट में गलत हो जाएगा। तीसरे में आप लोग बताइए क्या होगा, माई ब्रदर एंड आई आर रिजेंबलिंग आवर फादर, तीसरे में आप लोग बताइए क्या होगा। दोस्तों मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया दोस्तों, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। तो अर्थात तीसरे में हो जाएगा, देखिए दोस्तों माई ब्रदर एंड आई, तो मैंने कहा जो नज़दीक वाला रहेगा उसके अनुसार लगता है अर्थात यहाँ पे आई है दोस्तों, तो आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम रिसेम्बलिंग अर्थात गलत किस में होगा, बी पार्ट में गलत हो जाएगा। वही दोस्तों देखिए ही इज ओनिंग ए लग्जरी कार विच हैज़ बीन गिवेन, तो दोस्तों मैंने पीछे रूल बताया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी आपको ओन मिल जाए, बिलोंग मिल जाए, हियर मिल जाए, प्रिफर मिल जाए, सी मिल जाए, स्मेल मिल जाए, प्लीज मिल जाए, नोटिस मिल जाए, लाइक मिल जाए, डिसलाइक मिल जाए, लव मिल जाए, हेट मिल जाए, एग्री मिल जाए, ट्रस्ट मिल जाए, इमेजिन मिल जाए, वांट मिल जाए, विश मिल जाए, डिजायर मिल जाए, एडेरो मिल जाए, इसके सब के साथ दोस्तों इसके सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी नहीं लगता है, याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है, देखिएगा He is owning लिखा है, owning नहीं होगा, owns होगा, अर्थात ए पार्ट में एरर है। I am not meaning anything wrong. I always want to help you. तो दोस्तों I am not meaning anything wrong. तो इसको आप बताइए दोस्तों ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, देखता हूँ कौन सा बच्चा पढ़ा है और कौन सा बच्चा बाद में पढ़ता है। तो जो बाद में भी पढ़ रहा होगा, ऑफलाइन जो पढ़ रहा होगा वो भी इसका कमेंट करेगा, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो पढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए अगला, इसमें नो इम्प्रूवमेंट का करना है तुमको, आप सबको इम्प्रूवमेंट इसमें बताना है। तो पहला लिखा है द एम्प्लॉयड आर लूजिंग होप, तो द एम्प्लॉयड आर लूजिंग होप, तो द अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड मतलब कर्मचारी जो है आर लूजिंग, अब चूंकि देख रहे हैं दोस्तों द अनएम्प्लॉयड लिखा हुआ है और इसके साथ दोस्तों आर का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, इज हो, इज लूजिंग होप, तो देखिए दोस्तों इज लूजिंग होप हो जाएगा। वही देखिए अगला लिखा हुआ है ही हैज नेवर
एंड विल नॉट चीट मी। एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों। हाँ तो देखिएगा, ही हैज नेवर एंड नॉट चीट। हाँ ये है, ही हैज नेवर एंड विल नॉट चीट मी। तो दोस्तों देख रहे हैं, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, सही है। तो नेवर के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए थी यही बगल में, चूंकि हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज नेवर चीटेड। तो ही हैज नेवर चीटेड एंड विल नॉट चीट। तो कहां पर है, ये है दोस्तों सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये सब कॉमन एरर है। मैंने कहा कि आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, तीसरी चौथी पांचवी, या आपको होमवर्क देता हूँ तीसरा चौथा और पांचवा, इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या होगा। वहीं दोस्तों आगे बताएं तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप बताइएगा, मैं इसको कल जो है, कल ये दोनों दोस्तों कल मैं, अगर आप नहीं, आपको नहीं आ रहा है परेशान मत होइएगा, कल इस पाँच का ये और तीन का ये पूरा मैं कल बताऊँगा। आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि इसमें क्या एरर है, कहां पर गलत है। तो चलिए दोस्तों ठीक है, आप एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए, लगना चाहिए कि आप सभी एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं दोस्तों, और अपनी संख्या मेंटेन करिए, फिर बोर्ड पर पढ़ाएं। इसमें मुझे भी मजा नहीं आती पढ़ाने में, लेकिन अब किया क्या जाए दोस्तों, आपकी संख्या देख करके मुझे ऐसे पढ़ाने में मजबूर होना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। निश्चित ही जो बच्चे हमारे साथ लगे हैं, चाहे आप स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से पढ़ें दोस्तों, चाहे आप बोर्ड के माध्यम से पढ़ें, आपको समझ में आएगा ये फिक्स है। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।